हेलो फ्रेंड्स, एस के क्रिएटिविटी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो काफ़ी आसान तरीके से हम बनाएंगे और ये काफ़ी यूज़फुल भी है, आप सभी भी ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दो पीस जो हैं मैंने कट कर लिए हैं, तो इनका मेज़रमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ। और नीचे वाली साइड जो है ये मैंने लाइनिंग रखी है, तो ये पुरानी बेडशीट का मैंने यूज़ किया है। इसके साथ मैंने एक शूरैक का कवर भी बनाया था, ये वो वाली ही बेडशीट है, तो इसी का ही हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, लाइनिंग नीचे वाली साइड मैंने अटैच कर ली है। दोनों जो पीस हैं उन पे पहले मैं जो है लाइनिंग अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए, दोनों पीस पे मैंने लाइनिंग अटैच कर ली है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए, सेंटर करके एक निशान लगाना है। फोर फोल्ड कर लिया है मैंने और बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लिया है। यहाँ पे हमने ये देखो कोई प्लेट वगैरह लेकर सर्कल का एक निशान लगाना है। तो ये मैंने एक छोटे साइज़ की प्लेट ली है और सर्कल का निशान मैंने लगा लिया है। तो जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है, ये देखिए गोलाई में। तो ये देखिए, सिलाई हमने लगा ली है। अब डबल करके ये देखिए करके एक कट मैंने लगा लिया अंदर से। ये देखिए, एक कट इस साइड से लगा लिया और एक यहाँ से लगा लूँगी। जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक ही हमने कट लगाना है और सिलाई हमारी जो है कटनी नहीं चाहिए। तो ये देखिए, छोटे छोटे कट मैंने लगा लिए हैं सारे। अब ऐसे करके देखो, इनको उल्टा के यहाँ पर मैं एक एक पिन लगा लूँगी। ये देखिए, ऐसे करके पिन लगा लूँगी और ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी रहे। तो सभी पे पहले मैं जो है पिन लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, अब हमने एक जैसे ये सूट के पैकिंग वाला जो एक होता है ना बैग, उसका हमने ट्रांसपेरेंट सा ये शीट लेनी है और इसको हमने इसके नीचे जो है अटैच करना है। तो पहले मैं एक दो साइड पे पिन लगा लेती हूँ ताकि ये फिसले नहीं। तो ये देखिए, दो तीन मैंने पिन्स लगा ली हैं। अब हमने बिल्कुल साथ साथ में, ये देखिए, जहाँ पर हमने पहले गुलाई में एक सिलाई लगाई थी, साथ साथ में ये देखो हमने सिलाई लगाते जाना है और जो हमने नीचे ट्रांसपेरेंट शीट रखी है उसको हमने अटैच करना है। तो गुलाई बनाते हुए हमने सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, ऐसे हमने सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। अब जो हमने पिन्स वगैरह लगाई थी उनको हम हटा लेंगे और जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है ये कपड़ा, उसको हम कट कर लेंगे। तो हम ये ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं, साड़ी ऑर्गेनाइज़र। तो ट्रांसपेरेंट शीट जो हमने लगाई है इसमें से हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन से कपड़े इसमें रखे हैं, तो इसीलिए हमने ये जो है शीट लगाई है। अब हम इस पर जिप अटैच करेंगे। तो जिप को मैं उल्टा करके रखूँगी और एक सीधी सिलाई लगा लूँगी। अब जिप की फिनिशिंग करने के लिए एक पट्टी मैंने और ली है जो कि 1 इंच चौड़ी है। तो ये पट्टी लगा के और अंदर वाली साइड को फोल्ड कर लूँगी, ऊपर से एक सिलाई लगा के फिर हम इसको ऐसे अंदर वाली साइड को मोड़ लेंगे। इसके साथ हमारी जिप की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आ जाएगी और कोई धागा वगैरह जो है वो भी जिप में नहीं अड़ेगा। अब हमने दूसरे पीस पे भी जिप को अटैच करना है। तो ये देखिए, जिप को मैंने उल्टा करके रखा है और नीचे वाला जो पीस है वो सीधा करके रखा है। तो सेम तरीके से ऐसे ही मैंने दूसरी साइड पे भी पट्टी के साथ जिप की फिनिशिंग कर ली है, ये देखिए। अब हमने इसको सीधा रख के ही स्टिच करना है। ये देखिए, बनाने में बहुत ही आसान है
बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हो, और छोटे और बड़े साइज़ के आप कई सारे बना के रख सकते हो, ताकि आप इसमें अपना सामान जो है, साड़ी वगैरह, सूट, शॉल वगैरह जो भी है, दुपट्टे, इसमें बहुत ही आसानी से रख सकते हो। अगर आपने ये ऐसे बना के रखोगे तो आपका सामान जो है, सूट दुपट्टा जो भी है, सेफ रहेगा, उसमें ना कोई धूल मिट्टी आएगी, और बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके आप अपने जो है अलमारी वगैरह में रख सकते हो। तो कोई भी बेडशीट आपके पास पड़ी हो या पुराना कपड़ा कोई पड़ा हो, उसका आप यूज़ कर सकते हो। अब साइड पे मैं एक पट्टी लगा दूँगी, तो ये देखिए उल्टा करके पट्टी को रख के यहाँ से फिर से मोड़ के, और एक पट्टी लगा के, हम जो हमने सीधा ही इसको स्टिच किया है ना, अब सिलाई को हमने फिनिश करना है, तो एक पट्टी मैंने ली है जो कि 1.25 इंच चौड़ी है, और जो ये बेडशीट की थी, मेरी बेडशीट थी, उसी का मैंने कपड़ा लिया है। ये देखिए यहाँ से फोल्ड करते हुए सिलाई को हमने कंप्लीट करना है। अब दूसरी साइड को हमने इसको, ये देखिए, इस तरीके से टर्न करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। तो चारों साइड में इसकी सिलाई लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो जो पट्टी मैंने लगाई है वो दूसरी साइड से लगाई है, ताकि थोड़ा सा ये डार्क लगे। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा हमारा ये ऑर्गेनाइज़र जो है बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल फ्री में, कोई हमने पुराने कपड़े से ही इसको बनाया है। तो ये देखिए कितना प्यारा, कितने इसमें 3-4 सूट हमारे जो हैं बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। तो इसका जो मेज़रमेंट है, मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कितनी इसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना प्यारा हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो गया। तो कितने सारे आप कपड़े इसमें रख सकते हो, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।